हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियोज़ तो आपको पता ही है कि मेरी बहन आई थी उसकी फैमिली के साथ uh, मेरा नेफ़्यू भी आया था मैंने काफ़ी अच्छा समय बिताया उसके साथ एंड अब वो लोग चले गए हैं बेड शीट्स में वैसे वीकेंड में चेंज करती हूँ तो आज मंडे है तो मैं आज कर रही हूँ क्योंकि वो लोग थे तो मैं उनके लिए वेट कर रही थी एंड पिलो कवर्स मेरे पास तीन चार और भी एक्स्ट्रा पिलोज़ हैं जिसे मैं बॉक्स में रखती हूँ गेस्ट आते हैं तो निकाल देती हूँ बट यहाँ मेरे बेड में हमेशा तीन पिलोज़ रहता है और अगर मैं बेड शीट्स वीकेंड में करती हूँ तो मैं पिलोज़ को अल्टरनेटिव चेंज करके यूज़ करती हूँ क्योंकि ऐसा करने से हमें एक्ने के ईश्यूज़ uh, से काफ़ी राहत मिलती है हम जब सर्द होते हैं एक्चुअली उसी दिन हमें पिलोज़ चेंज करना पिलो कवर्स आई मिनटों तो से चेंज करना होता है अगर नहीं भी है तो भी हम उसे यू नो एटलीस्ट अल्टरनेट करके यूज़ कर सकते हैं टेबल वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी क्लीनिंग था मॉर्निंग का थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह करने के बाद कुछ कॉल्स मैंने अटेंड किए आज थोड़ा बहुत कुछ आ, काम था उसके लिए उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग टी थोड़ा एंजॉय कर रही थी आ, यूट्यूब देख कर आ, मेरे कुछ फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस भी मैं एंजॉय करती हूँ तो मैं देखती हूँ और अगर उनके वीडियोस मैंने देख लिए हैं तो मैं कुछ भी लगाकर कुछ भी देख लेती हूँ उसके बाद किचन में कुछ बर्तन थे आ, कल रात मैं नहीं धो पाई काफ़ी लेट हो गया था और यूजुअली मैं नहीं रखती हूँ बट कल मैंने नहीं धोया एंड मैं एक स्पेयर टूथब्रश हमेशा रखती हूँ कुकर के जो विसल एरियाज़ है उनको साफ़ करने के लिए वो काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं आप लोग भी ऐसा करते हैं कि नहीं मुझे बताइएगा तो बचे कुछ जो भी थे सुबह के एंड रात के वो धोधा करने के बाद मैं तैयार हो गई क्योंकि मुझे जाना था मैं, मैंने जस्ट हेड शार तो नहीं किया जस्ट बॉडी वॉश करके मैं तैयार हो गई क्योंकि आज मुझे इधर उधर कहीं और भी विज़िट करना था तो मैं निकल गई आप में से जो मेरे व्लॉग्स को डेली देखते हैं मुझे मैसेज या कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगता है और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मुझसे तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा जैसा मैंने कहा था आज मुझे कुछ जगहों पर विज़िट करना था तो उनमें से एक था नर्सरी जहाँ मैं गई थी रेस्टोरेंट के लिए कुछ प्लांट्स लेने एंड अपने लिए भी ये जो आप देख रहे हैं जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ अब कुछ ही देर में मैं इसका एक बड़ा सा और इससे भी बड़ा एक दिखाऊंगी जो मैंने कैप्चर किया है मैं सच में मतलब मैं शौक हो गई थी आज देखकर कि कि प्लांट नाइन थाउजेंड का है वो जो आ, आ, मतलब ऑनर जो था वो मुझे कह रहा था कि ये नाइन थाउजेंड का है एंड कोई भी प्लांट ये सब शायद हज़ार के थे एंड ये मॉन्स्टेरा आई गेस ट्वेल्व थाउजेंड वो कुछ ऐसा कह रहा था मुझे तो मुझे चक्कर आ रहे थे ये हाँ ये वाला ट्वेल्व थाउजेंड का एंड उसके जो छोटे वाले हैं वो सेवन थाउजेंड करीब मैं सोच रही थी अरे किसी का सैलरी होता है ये और आ, हम इतने दाम में मैं नहीं खरीद सकती थी प्लांट ये भी काफ़ी ब्यूटिफुल था बट मैं इसका प्राइस और नाम दोनों भूल गई एंड उसके बाद हमारे यहाँ पास में एक शिकागो पिज्ज़ा करके नया स्टोर खुला है ब्रांच है शायद तो हम वहाँ गए हमने इवनिंग स्नैक्स इन्जॉय किया वहाँ पर उसके बाद आ, बाकी तो इधर उधर रहा दिन भर एंड फिर मैं घर आ गई घर आने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करना था एंड आज से आज से मतलब बहन जब से आई थी तब से मैंने पैकिंग फूड लाना बंद कर दिया था और आज भी क्योंकि ओबियसली अब मैं अपने नॉर्मल स्कैड्यूल में आ गई थी तो मैंने राइस चढ़ा दिया दाल भी चढ़ा दिया था मेरी जब मैं फ्रेशन अप हो गई तो मेरी पड़ोस की जो नेबर है मेरी नेबर मेरी एक बहन है वहाँ पे तो वो अपने घर गई थी वहाँ से आते वक्त वो कुछ लोकल वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स लेके आई तो काफ़ी अच्छा था वो मिक्स था पूरा तो मैंने उनको सिग्रीगेट करके रख दिया आज मैं उसको नहीं बनाने वाली हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कहा था मेरी बहन ने मेरे लिए क्लीन करके वो चली गई थी जो साग था तो उसे मैंने धोया एंड उसे मैं प्लेन लहसुन में जस्ट स्टर फ्राई करने वाली हूँ टमेटो के साथ ऐसा बहुत अच्छा लगता है पता नहीं सबका अपना टेस्ट है मुझे अच्छा लगता है और मैं लहसुन को गार्लिक को मैं पील ऑफ भी नहीं करती इसे जस्ट हल्का सा क्रश करना है एंड देन आप तेल पर डाल दीजिए उसके बाद आप मिर्चा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं मैं नहीं डालूँगी एंड साग को डाल के साग जब ऑलमोस्ट हाफ कुक हो जाएगा तब uh, हम उसमें टमाटर ऐड uh, कर देंगे तो एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा फ्लेवर आता है uh, uh, बहुत सिंपल है ये खाना एंड दाल जो मैंने बनाया है मैंने दाल में तड़का नहीं डाला है क्योंकि मुझे तड़का दाल इतना पसंद नहीं है मैं यूजुअली प्लेन ही पीना uh, खाना हम जो भी कहते हैं मुझे वो पसंद है तो यस मेरा ऑलमोस्ट uh, मेरा डिनर भी प्रिपेयर्ड हो गया है अब मैं डिनर खाऊंगी तो आज के लिए इतना ही आ, अगले व्लॉग के लिए आप वेट करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ और आप आगे किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग